विधान मैं माननीय सभापति महोदय से निवेदन करूंगा कि जब अध्यक्ष महोदय से कि जब मेरा प्रश्नकाल के अंदर तारांकित प्रश्न अंतिम था और मुझे दो मतलब उसका जवाब देना था लेकिन दो मिनट का समय बढ़ाएंगे ये आपसे पहले निवेदन कर देता हूँ। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि जब सरकार बनकर राज्यपाल का अभिभाषण था उस समय मैं पहली बार चुन के आया और पहली बार मैं एक बात कही थी उसको फिर दोहरा रहा हूँ कि जनता ने सरकार बदलकर जनता ने अपना काम कर दिया लेकिन अब हमारी सरकार का दायित्व है कि जनता पे जनता के विचारों पे खरे उतरने के लिए व्यवस्थाएं बदलनी है और व्यवस्था बदलने के लिए जैसा कि सभी वक्ताओं ने एक बात कही भ्रष्टाचार के बेईमानी के कई मामला है तो उसके अंदर सबका विश्वास हमारे UDS मंत्री खर्रा साहब के प्रति है तो मैं उदयपुर शहर के दो तीन ऐसे मुद्दे आपके समक्ष रख रहा हूँ जिसका आप गहराई से अध्ययन करके आप सख्ती से कार्रवाई करेंगे ऐसा विश्वास है। उदयपुर शहर की शहर के अंदर नगर निगम उदयपुर के तात्कालीन आयुक्त UIT के स्वामित्व की अधिपति की पानेरियों की माड़ी मादड़ी की स्थित आराधी नंबर 1163 रेलवे पटरी से 30 फीट के अंदर की भूमि का आवंटन 3 अलग अलग पट्टों में उसका व्यावसायिक निर्माण की अनुमति जारी कर दी जबकि उक्त भूमि नगर निगम की नहीं होकर UDA की थी। उक्त नगर निगम नियुक्त द्वारा भूमि आवंटन की पत्रावली पर रेलवे पटरी के 38 फीट अंदर होने के कारण आवंटित नहीं कर सकने की बाबत अपनी रिपोर्ट के अंदर लिख के दिया है जिसकी पत्रावली मेरे पास मौजूद है जो मैं आपको दूंगा। उसके बावजूद भी उस भूमि पर रेलवे अंडरब्रिज प्रस्तावित है 150 फीट रोड प्रस्तावित है। नियमों के विपरीत माननीय उच्च न्यायालय जो 2012 से UIT उस मुद्दे पर लड़ रही थी और अभी 20/2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने उसको अतिक्रमणीय माना उसके बावजूद भी नगर निगम के तात्कालिक आयुक्त ने उस जमीन को मात्र भूमि दलालों को फायदा पहुंचाने के लिए 1,35,934 रुपये में 4115 फीट भूमि आवंटित कर दी कॉमर्शियल। एक उदयपुर में बाथरूम की जमीन भी नहीं मिल सकती इतनी बड़ी भूमि के घोटाले के बाद उसकी रिपोर्ट जांच के लिए कलेक्टर को भेज दी वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसलिए जबकि रेलवे की दोहरी लाइन की स्वीकृति अभी हाल में जारी हुई है उसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको दूंगा मेरे वक्तव्य के बाद आप अध्ययन करावें और अध्ययन करने के बाद सायंकाल जब आपका अंतिम उद्बोधन होवे जिसमें कुछ न कुछ कार्रवाई का आश्वासन देवे। दूसरा भूमि घोटाला 272 प्लॉट का इतना बड़ा घोटाला है कि जिसके अंदर कम से कम 500 करोड़ का घोटाला निकलेगा। 49 प्लॉट उदयपुर के अंदर 1 करोड़ से कम कोई प्लॉट नहीं मिल सकता 50 प्लॉट निरस्त किए हैं। दिनांक 1/1/24 को तात्कालीन नगर विकास प्रन्यास द्वारा उदयपुर नगर परिषद नगर निगम को 30 योजनाएं सशर्त तात्कालीन जिला कलेक्टर के आदेश से योजनाएं ब्लूप्रिंट तैयार कर स्थानांतरित किया गया। उक्त 30 योजना में खाली भूखंडों की निरस्त पत्रावली और अन्य पत्रावलियां नगर निगम उदयपुर को हस्तांतरित की गई। नगर निकास प्रन्यास द्वारा उक्त योजनाओं में जो प्लाट विक्रय किए गए उन प्लाटों की राशि जमा होने पर ही नगर विकास प्रन्यास द्वारा आवंटी को रसीद दी गई पर नगर विकास प्रन्यास के रजिस्टर में आवंटन रसीद का इंद्राज नहीं है। जब तक वो आवंटी की रसीद इंद्राज नहीं होगी वो वैध नहीं है। कुछ प्लाटों का नगर विकास प्रन्यास द्वारा आवंटन किया गया लेकिन आवंटी द्वारा राशि नहीं जमा कराने पर उक्त प्लाटों का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है लेकिन उन प्लाटों की पत्रावलियां भी नगर निगम ने हस्तांतरित नहीं की। उक्त योजना के खाली प्लाट कॉर्नर प्लाट UIT द्वारा निरस्त किए गए आवंटन के सभी पत्रावलियों के बारे में संपूर्ण जानकारी तात्कालिक आयुक्त हिम्मत सिंह बारट होने के पश्चात खुद भूमि माफियाओं से मिली भगत कर उनके अपने अधीनस्थ अधिकारी एवं भूखंड घोटालों में भ्रष्टाचार होने पर नगर निगम उदयपुर द्वारा एक जांच कमेटी गठित की गई हमारे आयुक्त द्वारा हमारे महापौर द्वारा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में मीटिंग के पश्चात आनंद फानिन पे पेश कर जिसमें
पार्षदों की, तीन पार्षद थे, तीन अधिकारी थे, केवल अधिकारियों की रिपोर्ट के ऊपर दस्तखत करा के उक्त तो पत्रावलियों में 13,316 पत्रावलियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। 40 भूखंड को संदिग्ध माना है, जिसकी जांच रिपोर्ट की कॉपी में आपको देता हूँ अधिकारियों के हस्ताक्षर युक्त। उदयपुर को जांच हो चुका है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस संबंध में कोई नगर निगम प्रन्यास को नहीं लिखा। उन्होंने लिखा कि 40 संदिग्ध है, UIT जांच करेगी, लेकिन जांच UIT से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई लिखित नहीं आया है, ना हमको पूछा है। उक्त भूखंड को गड़बड़चाला मानते हुए नगर निगम के अधिकारी को नोटिस दिए गए। उन सब भूखंडों की FIR दर्ज है, SOG द्वारा जांच पिछले 1.5 साल 2 साल से पेंडिंग है, लेकिन एक मात्र 3 अधिकारी, बहुत छोटे अधिकारियों को 4 को 17-16 CC का नोटिस दे दिया, जबकि इसके अंदर जो मुख्य अभियुक्त आयुक्त होता है नगर परिषद का, जिसने 22 भूखंड एक ही जिसकी सूची दे रहा हूँ, 49 प्लॉट जो रद्द किए हैं अभी पिछले भाजपा सरकार आने के बाद, उसकी प्रतिलिपि मैं आपको दे रहा हूँ, और उसमें से एक भी नोटिस आज तक नहीं दिया है। FIR दस हुई है, साल डेढ़ साल हुआ, उसका भी आज तक कुछ हुआ नहीं है। SOG ने जांच की है, आज तक कुछ हुआ नहीं है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस संबंध में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगा रखा है, उसका अगर आया तो आपको ये सब जांच कमेटियों की पत्रावली, सरकारी डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड के हैं वो मेरे पास मौजूद है। अंत में एक बात मैं कहूँगा कि आप कोई ना कोई ठोस कदम उठाकर भ्रष्टाचारियों को जेल के कटघरे में नहीं पहुँचाएंगे। ये शासन और व्यवस्था अपनी सरकार बनने का कोई मायने नहीं रखेगा, तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती उसमें सब फूल सिंह जी मीणा ने एक बात कही थी कि उदयपुर में 43 पहाड़ियाँ, जो उदयपुर शहर का महत्व, बस अंतिम बात कह रहा हूँ कि उदयपुर शहर की सुंदरता में जितना योगदान नदी तालाबों का है उतना योगदान पहाड़ियों का है, लेकिन उस 43 पहाड़ियों में से 21 पहाड़ियाँ जिनको अधिकारियों की मिली भगत से काट दिया गया, तो सरकार से अपेक्षा है उसका खाली कभी मशीन जब्त करते हैं, कभी कुछ पैसा ले लेते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह कि कोई पत्र पहाड़ों की कोई ना कोई नियमावली बनाकर इनको रक्षित किया जाए, ऐसी अपेक्षा है। और आप अपेक्षा करता हूं कि आप अपना इस सदन में उत्तर देंगे, ऐसा। धन्यवाद, आपने मुझे